महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरे नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता का समर्थन करते हुए कहा कि उनसे हर किसी ने माफी मांगने को कहा था, मैं उनका समर्थन करता हूँ। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वही बात जाकिर नायक ने भी पहले कही थी, किसी ने भी नायक से माफी मांगने को नहीं कहा था। एक मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए राज ठाकरे ने यह बात कही। उन्होंने इस दौरान AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि उसने कई बार हिंदू देवी और देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बीच राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया और उन्हें सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री का पद मिल पाया था। राज ठाकरे ने कहा कि मैं जब शिवसेना में था तो बाला साहेब ठाकरे ने फैसला लिया था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री होगा। आप उन चीजों को कैसे बदल सकते हैं जो पहले से तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस CM होंगे तो शिवसेना ने आपत्ति क्यों नहीं जताई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।